नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम पिक्रिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको दिमाग से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम पिक्रिकम, पिक्रेट ऑफ आयरन के सिम्टम। फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के आधार पर किया जाता है। फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इस औषधि का अंग विशेष पर अधिक जोर पड़ने के कारण होने वाले रोग में अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे अधिक बोलने के कारण स्वरभंग यानी गला खराब होना। यह औषधि बालों को काला बनाए रखने के लिए, रक्त बहुलता, प्लेथोरिक तथा जिगर का अधिक संवेदनशीलता आदि को दूर करता है। फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग वायु गैस को समाप्त करने तथा मस्से को सुखाकर खत्म करने के लिए भी किया जाता है। फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग वायु गैस को समाप्त करने तथा मस्से को सुखाकर खत्म करने के लिए भी किया जाता है। बुढ़ापे में पुरस्थ ग्रंथि का अधिक बढ़ जाना, नाक से खून का गिरना, गठिया वात के कारण उत्पन्न बहरापन और कानों के अंदर आवाजें गूंजना, कान गर्म महसूस होना, सफेद खून का निकलना आदि रोगों में लक्षणों में फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर फेरम पिक्रिकम औषधि का उपयोग, जैसे कान से संबंधित लक्षण, मासिक धर्म आने से पहले बहरापन, कानों में कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देना, आवाज बैठ जाना, रक्तवाहिकाओं में खराबी के कारण उत्पन्न बहरापन, दांतों के स्नायुओं में दर्द होना, दर्द का धीरे धीरे कानों और आंखों तक फैल जाना, कानों में भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देना तथा कान में घंटे की तरह आवाज सुनाई देना, इस तरह के लक्षण वाले रोगियों को फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे कानों के रोगों में जल्दी आराम मिलता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, भोजन का न पचना, जीभ पर मैल का जम जाना तथा भोजन करने के बाद सिर दर्द होना आदि उत्पन्न होने लक्षण उत्पन्न होने पर इस औषधि का प्रयोग लाभकारी रहता है। विशेष रूप से इस तरह के लक्षण पित्त प्रकृति वाले व काले बालों वाले रोगी को उत्पन्न होने पर फेरम पिक्रिकम औषधि का सेवन अधिक लाभकारी होता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, मूत्र नली में दर्द होना, रात के समय पेशाब का बार बार आना तथा पेशाब करते समय आमाशय में दबाव महसूस होना, मूत्राशय ग्रीवा और लिंग में चसचसाहट महसूस होना आदि मूत्र रोग लक्षणों में फेरम पिक्रिकम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, गर्दन के दाई और बाजू के नीचे दर्द होना, लोकोमोटर अटैक्सिया यानी प्रेरणज गतिभंग, हाथों पर मस्से निकालना आदि रोगों में रोगी को फेरम पिक्रिकम औषधि का रोग औषधि देने से रोग समाप्त हो जाता है। मात्रा फेरम पिक्रिकम औषधि 2 से 3 सप्ती का प्रयोग किया जा सकता है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।